स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले तो मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आपको ड्राइंग पसंद है? क्या आपको ड्राइंग पसंद है? यस और नो? यस, वेरी गुड। आदिति पांडे, मयूर अकलकोट, वेरी गुड, वेरी नाइस। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूं, ड्राइंग आप सभी को आता है, ड्राइंग आप सभी को आता है, लेकिन आप वह नहीं ड्रॉ करते। ओके, ड्राइंग करने का सबसे और एक ही तरीका है, आप सिर्फ लाइन खींचा करो, लाइंस, जैसे लाइंस आप खींचते हो ना, वही एक प्रकार का ड्राइंग होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको भी थोड़ी देर के बाद बताता हूँ, उसके पहले मैं प्रवीण साखरे, MCGM मतलब रोहन मुंबई महानगर पालिका, भांडू तुलसीपाड़ा स्कूल, यहाँ पर टीचर हूँ। और मुझे बचपन से, जैसे आपको ड्राइंग पसंद है ना, वैसे मुझे पहले से ही ड्राइंग बहुत 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 पसंद है। ओके, और जो चीज हमें ज्यादा पसंद होती है वह हम और ज्यादा करते हैं। आपको ड्राइंग पसंद है ना? अभी ड्राइंग का फायदा मैं आपको एक बताता हूँ कि ड्राइंग जो है वह ड्राइंग अगर आपको आता है तो आपका हैंडराइटिंग अच्छा होता है। आपका अगर हैंडराइटिंग अच्छा होता है, मतलब आपके हाथ के ऊपर अगर आपका कमांड होता है, तो आप अच्छे से लिखते हो, हैंडराइटिंग अच्छे से। ओके, जस्ट वेट वन मिनिट। दादू तू धन कर देखिए, ओके अभी हम अपना ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी आपको जो डोरेमोन पसंद है या आपको जो भी कार्टून पसंद है, बनाना बहुत आसान है। मैं आपको एक दो ड्राइंग बना के दिखाता हूँ। ओके, तो एक दो ड्राइंग जो होता है, अभी आपको सबको सर्कल आता है, आप सबको सर्कल बनाना आता है, आप सबको सर्कल बनाना आता है। यस, हाँ, खुशी ज्यादा एक्टिव है। यस मयूर, यस यस यस। ओके, अभी हम एक सर्कल से एक ना, आप ही बनाओ, वो बताओ वो आप वो क्या है। ओके, देखो सबसे पहले तो हमें, मैंने जैसे ही आपको पहले बताते हैं उस तरीके से ड्राइंग बनाते समय एकदम पेपर पे दब के नहीं आती। ओके, देखो जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि जब ये हम एकदम हल्के हाथों से ड्राइंग करते हैं, जब हम एकदम लाइट हाथों से कोई भी ड्राइंग करते हैं, तो आप आसानी से उसको मिटा सकते हैं। ओके, और दो चीजों में मैं आपको फर्क दिखाता हूं। ओके, और जब आप दबा के ड्राइंग करते हो, दबा के कोई भी लाइंस खींचते हो, तो क्या होता है उसको मिटाते समय उसके पीछे से भी देखो, आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, उसके पीछे से भी लाइंस आ जाती है। ओके, देखो अभी इसको मिटाया मैंने, या आपको दिखाई नहीं होगा, आप लाइन खींची थी, इसको अगर मिटाते हैं तो वहां पे वह उसका टेक्सचर आ जाता है। ओके, देखो कितना भी मिटाने के बाद वह लाइंस दिखाई देती है। तो अभी चलो हम एक ड्राइंग ड्रॉ करते हैं, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, आप वह ड्रॉ कर सकते हो। देखो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ओके, उसके बाद उसके अंदर एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करते हैं। ओके, उसके बाद एक तीसरा सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, चौथा सर्कल ड्रॉ करते हैं, है ना? उसके बाद मैं एकदम हल्के हाथों से कर रहा हूं, क्योंकि क्या हो रहा है, एकदम हल्के हाथों से करने के बाद क्या होगा कि आपको वह ड्राइंग जो है मिटाने में आसानी, अगर कुछ गलत होता है तो। ओके,
हाँ आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, नो। ओके चलो अभी इसको ही मैं फाइनल बना के दिखाता हूँ। ओके अभी मेरा फाइनल हो चुका है, एकदम लाइट है। देखो शायद आपको दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है? नो, कोई कह रहा है नो, कोई कह रहा है यस। ओके चलो अभी मैं फाइनली आपको दिखा रहा हूं। ओके लो किया, अभी दिखाई दे रहा है? है ना? अब और उसका है ना, उसके बाद सिर्फ मैंने सर्कल बनाया, दूसरा कुछ नहीं, सर्कल सर्कल और टोटली उसका है ना, उसके बाद सेकंड सर्कल। ओके उसके बाद ऐसे ऐसे और इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और ये नोज की पूरी ब्लैक। और आपको ये पता है कि ये क्या है? कोई कौन बता सकता है क्या है? डॉग। वेरी गुड आदिति, आदिति बताइए डॉग है। अभी डॉग को सबसे ज्यादा खाने के लिए क्या पसंद है, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है डॉग को क्या पसंद है? हम कार्टून में क्या देखते हैं? बोन। यस अभी बोन दिखाना चाहिए, नहीं चिकन। चिकन, वेरी गुड। बोन, अभी बोन डॉग। यस स्नेहल ने बताया डॉग है, बिस्किट है, वेरी गुड बिस्किट है, और चिकन है। तो क्या दिखा है? चिकन दिखा है, बिस्किट दिखा है, या बोन दिखा है? क्या दिखा सकते हैं हम इजीली डॉग के आसपास? हम बोन ही दिखाते हैं। वेरी गुड, चलो अभी हम बोन दिखाते हैं। ओके चलो बोन दिखाने के लिए सबसे आसान तरीका है, पहले दो लाइन खींच दो। उसके बाद एक प्यारा सा, ओके ये कुछ हार्ड है, ये हार्ड है, कुछ हार्ड, नॉट हार्ड, नो, मतलब आप कोई भी ड्राइंग इजी आसानी से बना सकते हो। ओके कोई भी ड्राइंग जो है हम इस इजी और आसानी से बना सकते हैं। ओके हाँ और मुझे दूसरी बात ये बताओ, और दूसरी बात बताओ, और एक ड्राइंग निकाले हम, और एक ड्राइंग करें क्या, इसको ही कलर करें? चलो पहले हम तो जो है वह पहले, ये आपको पसंद आया मैंने ड्राइंग किया तो? आपको पसंद आया मैंने ड्राइंग किया तो? यस और नो? यस, वेरी शर्मा ने कहा यस, आदिति ने कहा यस, यस वेरी गुड, सबका यस अरे यस, थैंक यू बच्चों। इसी तरह से बहुत सारे ड्राइंग जो है वह आप ड्राइंग कर सकते हो, बहुत सारे जो है वह आप ड्राइंग कर सकते हो। तो चलो मुझे अभी जोश आ रहा है, तो मैं अभी फिर से एक दूसरा ड्राइंग करता हूँ जो आप सबको पसंद है, सबको सबको, मुझे बहुत पसंद है, वह है डोरेमोन। वह है डोरेमोन। तो
मेरे ख्याल से डोरेमोन का ड्राइंग बनाने से पहले हम और एक ड्राइंग ड्रॉ करेंगे, ओके। वह ड्राइंग है बिल्कुल इजीली, दो चार ड्राइंग हम बनाएंगे, ओके। अगर टाइम रहा तो हम डोरेमोन भी बनाएंगे। हाँ, ओके। अगर टाइम रहा तो हम और दूसरा भी बनाएंगे। एक मिनट बच्चों। अभी आप मुझे बताओ कि हमें ये कौन सा क्या कर रहा, ओके। आप इसी से समझ गए होंगे कि ये क्या है। इस पीरियड में हम सिर्फ स्केच के ऊपर ध्यान देंगे, कलरिंग के लिए अगली बार ध्यान देंगे, ओके। है ना? ये क्या है, कौन बता सकता है क्या है? अभी इनकम्प्लीट है ड्राइंग, कौन बता सकता है? कैट, वेरी गुड। वैसे तो हर एक के घर में कैट होती है, उसको आप क्या बोलते हैं बताए? उसका बोलते हैं सिस्टर, है ना? हर एक के घर में कैट होती है, वैसे ही कैट की तरह झगड़ती है ना? यस। देखो इस तरह से, देखो कितनी आसान तरीके से मैं इसको ड्राइंग बना रहा हूं। ऐसे आपको भी आता है ना? अभी इसका क्या बाकी है ड्राइंग बनाना? क्या कुछ भी बाकी है इसका बनाना? कौन बता सकता है क्या बाकी है इसका? यस, कोई तो भी हाँ बोला है। यस, क्या बाकी है इसका? आईज। यस, आईज बाकी है, खुशी ने कहा है। और आईज, और क्या बाकी है? और कुछ भी बाकी है? आईज और, यस, आईज बहुत इजी है। यस, वो सो रही है। नोज, यस, ये नोज। और क्या बाकी है? मुंह, टंग। अरमान खान बोल रहा है टंग बाकी है उसका, और माउथ। यस, अभी उसको एक छोटा सा मुच्छी जैसे अगर भी ड्राइंग किया तो भी उसका वह तैयार हो जाएगा। और हंस रही है, आप जैसे हंसते हो ना सोने के बाद भी, सो नींद में हंसते हो वैसे वो हंस रही है ना? बस ड्राइंग कंप्लीट, ओके। और बनाए। थैंक यू बच्चों, वाओ, आदिति ने नाइस कहा है, वेरी गुड। और यस, का और बनाए, वेरी गुड। चलो अभी हम और एक उसका, अब हर एक ने देखा है और हम उसको सोच भी नहीं सकते हम ड्राइंग कर सकते हैं। चलो अभी आपको, आपने ये देखा होगा कि आपने अभी लॉकडाउन में ये बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा खत्म किया है। ये क्या है, कौन बताएगा? कौन बताएगा ये क्या है? यस, एग। ये है एग। अभी एग का ड्राइंग आपने सोचा भी नहीं होगा हम एग का ड्राइंग कैसे कर सकते हैं, है ना? गूगली आईज बनाते, गूगली आईज, ओके। उसके बाद है ना, उसके बाद
इस तरह से कर रहा है वो, इस तरह से कर रहा है। ओके अभी हम उसके मुंह में दांत दिखा देते हैं, है ना, और उसके नीचे से भी दांत दिखा देते हैं, है ना, और अंदर पूरा ब्लैक। अंदर पूरा ब्लैक, है ना। चलो अभी थोड़ा सा हल्के हाथों से अगर हम इसके दांत अलग अलग कर देंगे तो वह ड्राइंग में, और एक बात ये आपको याद रखना है, ड्राइंग में आप इरेजर यूज मत करो तो आपका कॉन्फिडेंस और जल्दी से बढ़ जाएगा। ओके चलो अभी इसका कुछ नहीं बनाना बाकी है, हम इसे सिर्फ हाथ बताएंगे। ओके एक कार्टून होने के कारण उसमें आप कैसे भी कुछ भी दिखा सकते हो। ओके और इसको देखो बनाना बहुत आसान है। ओके और इसको कार्टून पे आमतौर पे चार ही हाथ होते हैं, है ना, सॉरी चार उंगलियां होती है, आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। यस पसंद आया, यस एवरीवन, यस इमरान खान कह रहा है यस, और फाइव वेरी नाइस ड्राइंग, थैंक यू आदिति यादव। और एक ड्राइंग बना, और एक ड्राइंग ड्रॉ करे, और एक ड्राइंग ड्रॉ करे, यस अभी हम और एक ड्राइंग ड्रॉ करते हैं, वेरी गुड। वैसे तो हमारे पास हम 9:14, ओके अभी हमारे पास टाइम है। ओके चलो सिंचन बनाए, लेग लेग भी बना सकते हैं, उसमें क्या है, यस यस आप चाहे उस तरह से ड्राइंग, है ना, अभी वो नाच राइडिंग डाउन कर रहा है। ओके चलो और एक इजी ड्राइंग ले, सिंचन थोड़ा सा हार्ड है उससे, ये देखो इस तरह से ड्राइंग आप बनाएंगे ना तो ये बहुत ही आसान होता है। चलो अभी और एक हम ड्राइंग बनाएंगे जो आपको पसंद है। ओके उसको बोलते हैं, अभी आप ही बताओ उसको क्या बोलते हैं। फिर से थोड़ा सा मैं छोटा ड्राइंग ड्रॉ कर रहा हूं, है ना, एक नहीं है, ओके ये क्या है, कौन बता, रुको 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 अभी घाई मत करो, मैं घाई कर रहा हूँ एक्चुअली। ये क्या है, कौन बता सकता है क्या है, गुड वेरी नाइस प्रतीक, वेरी गुड सिद्धार्थ सिंह, गुड यस, है ना आसान, बहुत इजी है ना, बहुत इजी है ना, थैंक यू। इस तरह से हम बहुत सारा, बहुत 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 सारा ड्राइंग कुछ भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, हम अभी आपको अगर लगता है कि मुझे ड्राइंग नहीं आता, यस आपको अगर लगता है मुझे ड्राइंग नहीं आता तो बिल्कुल गलत बात है, आपको ड्राइंग आता है, सबको ड्राइंग आता है, सिर्फ आप उसको बनाने की कोशिश नहीं कर रहे।
अब मैंने क्या किया, अब ये जो गोट है ना, ये जो टाइगर की मौसी है, ये जो अंडा है, इसके लिए पेंसिल का यूज किया है, नहीं किया, इसके लिए सीधा मैंने परमानेंट मार्कर यूज किया है, तो भी मैं ड्राइंग बना लेता हूँ क्योंकि ये मुझे पता है मैं मुझे आ सकता है ना। पोकेमॉन, यस, मैंने पोकेमॉन जो है उसका भी ड्राइंग बहुत इजी है, बॉल, बॉल का तो बहुत इजी है, आप हमेशा ड्रॉ करते हो, है ना, ऐसे गूगल एज में अगर वो बना दिया हो गया, है ना। इस तरह से मैं आज के दिन इजी ड्राइंग दिखा रहा हूँ, ओके। आज के दिन ब्लैक स्केच, व्हाट ब्लैक स्केच, आदित्य यादव, ओके। ये जो ड्राइंग है बनाने में बहुत आसान होते हैं, यह ड्राइंग बनाने में बहुत आसान होते हैं, ड्राइंग आप कुछ भी कर सकते हो। अभी एक बार आपको बता रहा हूँ, ओके, मैं आपको एक ड्राइंग दिखा रहा हूँ, उस ड्राइंग में आप मुझे बताओ कौन कौन से आकार है, ओके। हम आकार कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ड्राइंग जो आकार बनाया है, हम इसे क्या तैयार कर सकते हैं, इससे हम क्या तैयार कर सकते हैं, दिखाता हूं मैं आपको, देखो हम इसे, यस, डक, इसे डक बना सकते हैं। अच्छा, ये ड्राइंग क्या है, इसे हम क्या बना सकते हैं, अभी जो बने बताया ये, हम इसे क्या बना सकते हैं, सोचो सोचो, हम इससे कुछ भी ड्राइंग बना सकते हैं, क्रो, यस, और फिश, और हाँ, हम इससे कार्टून वाली फिश बना सकते हैं, हो गया, काइट, कार्टून वाली फिश बना सकते हैं, देखो हो गया, जो खुहार है उसके दांत बहुत बड़े बड़े हैं और हंस भी रही है वो, है ना, यस। और हम कुछ बना सकते हैं, और इससे हम क्या बना सकते हैं, पैरोट, इससे हम क्या बना सकते हैं, स्नेक, इससे हम क्या बना सकते, इससे पैरोट नहीं बना सकते, इससे क्या बना सकते हम, चलो पैरोट बना सकते हैं, कुछ नहीं, मैं आसानी से बना सकता हूं, इससे क्या बना सकते हैं हम, इससे लेक, यस, डूर, और क्रो, हर एक से क्रो कैसे बनेगा, स्नेक बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं हम, स्नेक, यस, देखो हम इससे क्या बना सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, इससे क्या बनेगा, यस, है ना, इजी। अब मैंने क्या किया इसमें, कुछ नहीं, खाली जो आकार है उसको बनाना स्टार्ट किया, ओके। दूसरा हाथ इसके पीछे समझो, उसने एक हाथ से उसको पकड़ा हुआ है, हाँ। तो इस तरह से हम कोई भी ड्राइंग आसानी से एकदम बना सकते हैं, और क्या बनाएं, और क्या बनाएं, और क्या बनाएं, चलो इससे क्या बना सकते हैं, गल, स्नेल, वेरी गुड, स्नेल, ओ या, वेरी गुड,
स्नेल का इमेज भी डाल दिया. ओके स्नेल के अलावा हम क्या बना सकते हैं, स्नेल के अलावा हम क्या बना सकते हैं, स्नेल के अलावा याद करो. देखो आज खुद कलाकार हो तो कलाकार जो है वह कुछ ना कुछ ड्राइंग बना ही लेता है, कुछ ना कुछ ड्राइंग देख ही लेता है हर एक लाइंस में. जिलेबी, यस जिलेबी का कार्टून आप देखते हो चाहे ना, कैंडी, यस वेरी गुड. देखो अभी आप जैसे कलाकारों ने और इसमें कुछ ना कुछ ढूंढ लिया है. और चकली बना सकते हैं, वेरी गुड. और क्या बना सकते हैं, देखो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो आपको समझ में आएगा क्या है. अभी मुझे कौन बताएगा क्या है, लॉलीपॉप, मुझे ये कौन बताएगा क्या है, ये स्नेल, नो वेट 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 वेट, एलिफेंट, वेरी गुड. कैंडी, नो एलिफेंट हो गया, या इसको गणपति बापा भी बोल सकते हो, है ना. और एलिफेंट, एलिफेंट, गणपति बापा, शंखा, वेरी गुड. शंखा भी हो सकता है इसका. चलो अभी नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे. चलो इसी का बैक साइड यूज कर रहा हूं मैं. ओके इस तरह से आप डोरेमोन भी ड्रॉ कर सकते. डोरेमोन बनाए, डोरेमोन ड्रॉ करे, यस और नो, यस. चलो अभी हम डोरेमोन ड्रॉ करते हैं, अभी हम डोरेमोन ड्रॉ करते हैं. ओके सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका आईज जो है, उसका आईज जो है वह ड्रॉ करना पड़ेगा. इस तरह से अभी लाइट एक साइड से पड़ता है तो हमारे सबके आंखों में ना एक डॉट होता है, व्हाइट डॉट. आपने देखा कभी व्हाइट डॉट, देखो यहाँ पे ऐसे व्हाइट डॉट आपने कभी देखा है. हर एक के आंखों में जो ब्लैक बॉल है ना, ब्लैक बॉल जिसको आइस बॉल भी कहते हैं, उसको उसमें एक व्हाइट डॉट होता है ना. हाँ और उसके बाद उसकी क्या होती है, यहाँ पे क्या होता है, उसका नोज होता है. अभी चलो हम उसको रेड कर देते हैं. उसका नोज कौन से कलर से होता है, कौन से कलर का होता है, यस रेड कलर का होता है. उसका नोज हम रेड कलर का कर देते हैं. देखो मैं यहाँ पे वैसे व्हाइट डॉट दिखाने वाला हूँ, देखो है ना. तो उसका वो नोज है वह थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देता है. अगर आप थोड़े से ज्यादा कलाकार हो ना तो यहाँ पे देखो उसका शेड तैयार हो जाता है ना. देखो यहाँ पे उसका शेड तैयार हो गया, उसका नोज जो है वो आपको गोल गोल दिखाई देगा, है ना. जैसे आपको दिखाते ना मैड आर्ट अटैक में दिखाते हैं. ओके हाँ उसके बाद उसका ड्रॉ करना है. अभी हम पेंसिल का यूज करेंगे. हाँ अभी हम पेंसिल का यूज. उसके बाद उसका नीचे निकालना है लाइन, है ना. आपको शायद नहीं दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है आपको लाइन, ये छोटी सी लाइन दिखाई दे रही है, यस और नो, छोटी सी लाइन दिखाई दे रही है, यस वेरी गुड. अभी हम क्या करेंगे, उसके बाद उसका इस तरह से मुंह, है ना, और उसके बाद उसका इस तरह से, इसका इस तरह से मुंह. उसके बाद वह हंस रहा है बड़ा सा मुंह लेकर, है ना. और उसके नीचे इस तरह से उसका यह
हाँ धीरे धीरे थोड़ा धीरे यूज कर रहा हूँ। उसका जो मुंह है ना एकदम सर्कल में है, सर्कल में। ओके तो हम एकदम हल्के हाथों से उसका सर्कल में मुंह बना देंगे। और उसका जो है ना उसके गले में कुछ होता है, क्या होता है उसके गले में, क्या होता है उसके गले में, घंटी होता है। घंटी हम क्या करेंगे, एकदम सर्कल ड्रॉ करेंगे सर्कल में, और एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और एक छोटा लाइन, और यहाँ पे सर्कल वाला। ओके चलो इस तरह से उसका यह ड्रॉ हो गया। अभी यहाँ पे हम देंगे तीन डॉट, 1 2 3, 1 2 3। चलो अभी इसको मैं डार्क कर रहा हूं। ओके इसको मैं डार्क कर रहा हूं। है ना। उसके बाद यहां से एक छोटी लाइन आएगी, उसके बाद यहां से एक छोटी लाइन आएगी। ओके यहां से उसका गले का जो बेल्ट है, ये कौन से कलर का होता है कोई बताएगा, ये कौन से कलर का बेल्ट होता है, कौन से कलर का बेल्ट होता है ये, रेड। वेरी गुड, मतलब आप बहुत अच्छी तरह से दिखते हो कार्टून। और यह इस तरह से, जैसे मैंने आपको कहा कि तीन डॉट आपको लगाना है, तीन डॉट लगाने के बाद हम इसको लाइंस खींचेंगे। ये जो छोटी छोटी बारीकाई है, ये जो हम ड्राइंग करते हैं ना उसके बाद हमें समझ में आता है, अरे ये तो रेड कलर का है, ये तो ब्लू कलर का है, ये तो इस कलर का है, ये तो उस कलर का है। जिसने मुझे अभी रेड कलर का है ये, है ना, तो उसने पहले ड्राइंग बनाया रहेगा इसलिए उसको पता है ये रेड कलर का है, है ना। ये घंटी कौन से कलर की होती है ये बताएगा, कौन से कलर की होती है, गोल्ड। यस गोल्ड कलर की होती है ना। और इसके बाद इसके अंदर की जो टंग होती है वो हंस रहा है, और ये टंग सीधा इस लाइन की होनी चाहिए। हाँ जैसे हम उसको करते हैं उसकी टंग करते हैं, कौन से कलर की उसकी उसकी टंग जो है वो कौन सी कलर की होती है, हाँ उसकी टंग जो होती है वह रेड कलर की बनाएंगे। और इसके मुंह के अंदर का हिस्सा हम जो बनाएंगे वो पिंक बनाएंगे। ओके अभी थोड़ा थोड़ा ड्राइंग आपको क्लियर आता रहेगा, क्लियर समझ में आएगा। थोड़ी देर के बाद हम इसमें फिर से कंप्लीट करने के लिए जब भी कलर करेंगे तभी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अभी क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन खींचेंगे एकदम हल्के हाथों से। ओके और यहाँ पे क्या होता है कौन बताएगा, यहाँ पे क्या होता है, क्या होता है यहाँ पे, वेट
यहाँ पे होता है उसका पॉकेट, वेरी नाइस, यहाँ पे होता है उसका पॉकेट। अभी पॉकेट बनाने के लिए पॉकेट 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 कौन से आकार का होता है कोई बताएगा? पॉकेट कौन से आकार का होता है? पॉकेट कौन से आकार का होता है कोई बताएगा? सेमी सर्कल का होता है, सेमी सर्कल का पॉकेट होता है। तो सबसे पहले उसके पेट के ऊपर का जो हिस्सा है ना, हम क्या करेंगे उसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, वो भी सेमी सर्कल का ही होता है, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। और अंदर का पॉकेट होता है वह सेमी सर्कल का होता है, उसके हाथ जो होते हैं, उसके हाथ एकदम सर्कल के होते हैं। ओके, और उसके पैर जो होते हैं उसके पैर एकदम इस तरह के होते हैं, है ना। अभी हम इसको फाइनल करेंगे, फाइनल यस, स्ट्रेट होता है, उसमें कुछ ये नहीं होता कि ऐसा ही चाहिए वैसा ही चाहिए। एकदम हैप्पी डोरेमोन है ये अपना। ओके, अभी डोरेमोन का कलर कौन सा होता है कोई बताएगा? कोई बताएगा कौन सा कलर होता है डोरेमोन का? यस, ब्लू कलर होता है, देखो इस तरह से। ओके, उसके बेल का कलर होता है येलो, मतलब हम जिसे गोल्डन बोलते हैं, है ना। बेल का कलर होता है रेड, है ना, और इसको सीधा सीधा प्लेन कलर देना है हमें। इसमें कुछ शेडिंग नहीं करनी है, अगर आपको शेडिंग आती है तो आप कर सकते हो। चलो, अपना टाइम खत्म हो रहा है इसलिए थोड़ा सा मैं थोड़ा स्पीड में ले रहा हूं। ओके, देखो इस तरह से, है ना। और क्या बाकी इसमें? यस, इसमें और थोड़ा सा ये बाकी है। ओके, देखो इस तरह से हमारा डोरेमोन कंप्लीट हो चुका है। ये थोड़ा सा लंबा हो गया, ओके कोई बात नहीं है। इस तरह से आज हमने ये सभी ड्राइंग बना लिए है, और हम बहुत सारे क्या क्या ड्राइंग बना सकते हैं आपको मैं दिखाता हूँ। वेरी गुड, मैं आपको दिखाता हूं, हम कुछ इस तरह से ड्राइंग बना सकते हैं, है ना। नीचे थोड़ा प्लेन पेपर ले रहा हूं मैं। ओके, हम कुछ
इस तरह से ड्राइंग बना सकते हैं, है ना? पसंद आया? यस। किसी का जवाब नहीं है, कोई बोलेगा? कोई बोलेगा? किसी का उत्तर नहीं है। इस तरह से पसंद आया? एकदम इजी है, एकदम इजी है ना। इसको इसको हम एज अ मास्क यूज कर सकते हैं। देखो इस तरह से आपके घर में अगर कोई छोटी बहन है ना, तो इस तरह से वो रहती है, म्याओ 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 करती रहती है और हमेशा झगड़ती रहती है ना। चलो ये मेरे सामने बहुत सारी कैट है, तो ये समझो ये चार कैट है मेरे पास, है ना। ओके और देखना है। थैंक यू। RX25526। हाँ और दिखा रहा हूं मैं आपको। यस, अरमान के घर में शायद एक बिल्ली है छोटी, है ना। वेरी गुड। ये देखो हनी बी, थैंक यू स्नेहा सेजल। ये देखो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? हनी बी। वेरी गुड हनी बी। बी, वेरी गुड विशाखा। यस नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट। और देखना है, और देखना है। यस और देखना है। यस सेकेंड वन हनी। यस और देखना है। चलो और दिखा देते हैं। यस टाइगर, डरो मत डरो मत। हनी बी फ्लाय आदिति, वेरी गुड। ये क्या है? टाइगर, वेरी गुड। और यस, ये क्या है? गर्ल, वेरी गुड। यस ये देखो ये क्या है, फिश। चलो इसके अलावा इस तरह से और एक मैं आपको थोड़ा सा एक गाइड्स कर रहा हूँ बेटा। हाँ छोटा मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इस तरह से अगर छोटा छोटा ड्राइंग बनाएंगे, छोटा छोटा ड्राइंग, तो आपको यह एज अ बुक मार्क आप यूज कर सकते हो, एज अ बुक मार्क करके आप यूज कर सकते हो। जैसे और है कुछ ये वाला, है ना, ये वाला है, इसके पीछे देखो, है ना। इसको बुक मार्क बोलते हैं। बुक मार्क मतलब क्या होता है पता है आपको? बुक मार्क मतलब आप बुक पढ़ते समय उस पेज में उस पेज अगर कुछ काम है तो हम क्या करते हैं, बुक बंद करके चले जाते हैं, बाद में याद नहीं आता हम क्या पढ़ रहे थे, तो उस समय उस बुक में यह रखते हैं, इसको बोलते हैं बुक मार्क। देखो इस तरह से, है ना, आप छोटा सा आपका नोट भी लिख सकते हो उस पे, टू फ्रॉम। ओके यस।